जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सुबह
मनुष्य शरीर किस लिए मिला, किस काम में हम इसको लगा रहे हैं? हमारे इस मनुष्य शरीर का जो समय है वो किस तरह से निकल रहा है, ये चीज अगर समझ में आ जाए तो इस दुनिया संसार में जीने का, खाने का, रहने का, पुत्र परिवार का, इस शरीर पाने का सुख भी मिल जाए। और ये जिस लिए मिला मनुष्य शरीर, वो काम पूरा भी हो जाए। देखो प्रेमी, जिस तरह से पेड़ पर पत्ता जो लगा रहता है और नीचे गिर जाता है, दोबारा वो पत्ता डाल में नहीं लगता है, ऐसे ही यह मनुष्य शरीर दोबारा जल्दी नहीं मिलता है। कहा है ना, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये जो मनुष्य शरीर है यह दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, नरकों में गोत्र खाने के बाद कर्मों के अनुसार तब यह मनुष्य शरीर मिलता है, तो ये बड़े भाग्य से मिला है। यह धन अन्य समझो दुर्लभ तुमने पाया, बड़े भाग्य मानुष धन पाया कहा गया। जब भाग्य जगता है, भाग्य उदय होता है, जब पूरे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म जब आते हैं तब यह मनुष्य शरीर मिलता है, तो मानुष जन दुर्लभ, दुर्लभ किसको कहते हैं? जो चीज जल्दी नहीं मिलती आसानी से, बहुत मेहनत करने के बाद जो चीज मिलती है वो दुर्लभ कहलाती है। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, हम मिले न बारम्बार, ये बार बार नहीं मिलता है। तरोवर से पत्ता झड़े बहुत न लागे ढार, तरोवर यानी पेड़ से जो पत्ता झड़ जाता है वो फिर नहीं लगता है, उसमें नहीं लग सकता, दूसरे पत्ते आ सकते हैं, दूसरे पत्ते लग जाते हैं लेकिन वो पत्ता फिर नहीं लगता है। ऐसे जो इस समय आपका शरीर है, जिसका माता पिता परिवार वालों ने नाम रख दिया है, आप जिस नाम से पुकारे जाते हो, जिस तरह से आपकी यह बनावट है, गोरा काला नाक कान की जो बनावट है, इसी तरह से फिर दोबारा यह मनुष्य शरीर नहीं बन पाएगा। अगर मनुष्य शरीर मिला भी मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद, तो फिर उसका रंग रूप बदल जाएगा, जहाँ जन्म लोगे उस हिसाब से रंग रूप हो जाएगा, उसी हिसाब से जैसे माँ के अंदर शक्तियाँ होंगी उसी हिसाब से आँख का नाक मुँह यह सब बनेगा। तो यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में सब कुछ है, दुनिया की सारी चीज इसमें समाई हुई है, इसी में गीता, इसी में वेद, इसी में पुराण, इसी में कुरान, इसी में बाइबल, इसी में सब कुछ है। इसी में ये जितने राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये जो महावीर भगवान, ये आपके बुद्ध भगवान जो कहे गए, ये पीर पैगंबर जो यानी समझो हजरत मोहम्मद साहब कहे गए, ये जो आपके अन्य फकीर हुए, सब इसी मनुष्य शरीर में ही दिखाई पड़ते हैं, इसी में ईसा मसीह का दीदार होता है। यह मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है, जैसे कहते हो कि एक कंप्यूटर खरीद लें, एक डिजिटल मोबाइल खरीद लें, ये यानी समझो कि सेलुलर फोन खरीद लें, तो उसी में सब कुछ पता लगा लेंगे, सब कुछ उसी में रहता है, ऐसे ही इसको समझ लो। लेकिन ये जो डिजिटल आपका यानी सिस्टम है, ये तो फेल हो जाता है,
किससे चलता है? बिजली से चलता है, आंधी आपत आ जाए, देखो ये टावर काम नहीं करते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आंधी आफत का, हवा पानी का, इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन उस मनुष्य शरीर में जो अंदर में सिस्टम है उस पर कोई खास इसका असर नहीं आता है, जो सिस्टम है। बस इसको आप बिगड़ने ना दो, उस सिस्टम को चालू रखो। अब ये जो बिजली से ये जो चलता है, आप कहोगे मोबाइल में हमारे बिजली नहीं रहती है, चार्ज नहीं करोगे बैटरी रहती है, नहीं चलेगा। जहाँ से ये चीज़ें प्रसारित की जाती हैं, नाटक है, नौटंकी है, समाचार है, वहाँ बिजली न रहे, वहाँ कोई सिस्टम बिगड़ जाए तो ये काम नहीं करेगा। ऐसे ही यानी समझो जैसे ये दूसरे पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? ये समझो बिजली के ऊपर निर्भर है। जो बिजली एक जगह बनती है, हर कोई बना नहीं सकता है, जो सिस्टम से बनती है, बिजली घर में बनती है या सूर्य ऊर्जा से बनती है, सूरज जिस दिन नहीं निकला आप पे समझो वो चार्ज बैटरी नहीं हो पाएगी, उस दिन आपका कोई पंखा बिजली मशीनरी सामान नहीं चलेगा, न जलेगी बिजली। तो जैसे ये सिस्टम है वो दूर है, लेकिन अंदर में जो चार्ज करने वाला सिस्टम है वो ज्यादा दूर नहीं है। वो जो करंट बनता है, कहते हो करंट सब खत्म हो गया, बुढ़ापे में कहते कोई अब करंट शरीर में नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, हाथ पैर नहीं हिल रहा है। अब कोई कैसा भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी दे, लेकिन सब बेकार है। ऐसे ही ये यानी समझो शरीर में भी करंट रहता है, शरीर से वो सिस्टम चलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए यानी समझो कि ध्यान रखना पड़ता है, यानी खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, इस चीज की जानकारी रखनी पड़ती है कि किस तरह से हमारा सिस्टम ये बिगड़ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो करंट कट जाए। जैसे यह शरीर चल रहा है वो पावर खत्म हो जाए, कौन सा पावर? वो जो ऊपर से आ रहा है, वो जो प्रभु की शक्ति है वो कहीं खत्म न हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे शरीर की अग्नि न खत्म हो जाए, ये यानी समझो हाजमा न खराब हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि संयम और नियम की जानकारी बराबर सत्संग सुनने से मिल जाती है। सत्संगों में इसीलिए लोग जाते थे कि हर चीज की जानकारी हो जाए। तो जब जानकारी हो जाती है तो आदमी अपना खान पान सही कर लेता है, और जिससे इस शरीर की ताकत खत्म हो, जिससे करंट खत्म हो, बोलने वाले देखो ये बोलने वाली जो शक्ति है इसमें भी करंट की जरूरत है। कहते हैं ताकत नहीं है, करंट नहीं आ रहा है, कि जिससे आवाज निकले। आप समझो देखने में भी दिक्कत, जब कमजोरी आ जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई पड़ता है, सुनाई भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। किस चीज़ के लिए? उस करंट को जारी रखने के लिए, जो इस शरीर को चलाने वाली प्रमुख शक्ति है उसके लिए भी करंट की जरूरत होती है, जीवात्मा की, जिससे ये जुड़ी है प्रभु से। अगर वो कट जाए आप ये समझो तो जीवात्मा अभी निकल जाए, इसको मजबूरन निकलना पड़ेगा इस शरीर, क्योंकि करंट वहीं से आ रहा है जीवात्मा को ताकत देने का, करंट वहीं से आ रहा है। तो आपको मोटी बात यह समझना है कि इस शरीर के स्वस्थ रखने में आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ों का आहार आप न करो कि जिससे आपकी अग्नि कमजोर हो जाए, जिससे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाए, जिससे ये शरीर आपका कोई काम का न रह जाए। इसका ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। दूसरी चीज प्रेमियों यह है कि बुद्धि न खराब हो जाए, इस शरीर से यानी गलत काम होने लग जाए। देखो अटका भला न बोलना, और अटका भला न छूप, और अटका भला न बरसना, और अटका भला न धूप। कहते हैं ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, बच्चे को डांट देते हो ना तो बहुत बोल रहा है, चुप हो जाए, ज्यादा मत बोल। दूसरे को कहते हो अरे भाई अब तो चुप हो जाओ, अब हमको भी तो कुछ कहने दो। तो कहते हैं अटका भला न बोलना, अटका भला न छुप। जो कम बोलते हैं, अंदर अंदर घोटते रहते हैं,
और कम बोलने वालों का पता नहीं चलता है कि अंदर में क्या है इनके। बोलेंगे तो पता चलेगा, यह जानकारी होगी कि कितना पढ़े लिखे हैं, ये क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या ये कहना कह रहे हैं, क्या ये चाहते हैं, बोलने से ही पता चलता है। लेकिन कोई कहे हम बोलेंगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा आपको, कुछ नहीं। तो अटिका भला न बोलना, अटिका भला न चूप, अटिका भला न बरसना। बरसात जब ज्यादा होती है कहते हैं बादल फट गया, तब क्या होती है, तबाही होती है। और अटिका भला न रो, अभी यह महीना चल रहा है आपका, कौन महीना, सावन का महीना, सावन और भादो, दो महीना अगर मेघराज नाराज हो जाए और कहा हम बूंद नहीं गिराएंगे नीचे, तो मुंह पर जाना पड़ेगा। अरे मुंह तक आएगा, आएगा नहीं, अंदर जाने की बात ही छोड़ दो। अभी दो चार साल पांच साल अगर सूखा पड़ जाएगा तो कितना स्टॉक है कि जिसको जो खिला ले जाएंगे, पूरा दुनिया के लोग मिलकर एक देश को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि उसी अन्न पर सबका हमला होगा, किसका, आदमी का हमला होगा, दूसरे देश वालों का हमला होगा। अब तब जब खाने की दिक्कत नहीं है तब तो ये अंगड़ा रहे हैं, तेज तलवार बना रहे हैं और जमीन जायदाद के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब अनाज नहीं मिलेगा तब ये तेज तलवार किसके लिए चलाएंगे कि इनको खत्म करो, इनका अन्न ले आओ, खुद जियो। तो अन्न तो बहुत प्रमुख चीज है, इसीलिए अन्न को देवता कहा गया, इसीलिए कहा जाता है अन्न को बर्बाद मत करो, इसकी इज्जत करो। पैसे वाले लोग, गर्मी भी रहती है पैसे के, कहते कोई बात नहीं है, शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, जितना लोग खाते नहीं उससे ज्यादा फेंक देते हैं और बढ़िया बढ़िया चीज बनवाते हैं, पैसे की कमी नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, खिसक जाएंगी, अगर दुरुपयोग होगा इनका तो खिसक जाएंगी, इस चीज का उनको ज्ञान नहीं है। कारण क्या है, सत्संग नहीं मिलता है, मिलता है महात्माओं के पास नहीं जाते, जानकारों के पास नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अधिका भला न बरसना, अधिका भला न दो, अधिका अधिका कोई चीज अच्छा नहीं होता है, अति हर चीज की बुरी होती है। इसलिए यानी समझो प्रेमियों, आपकी बुद्धि न खराब हो जाए, उसके लिए खान पान का यानी ध्यान रखना चाहिए और शरीर को बराबर चलाते रहना चाहिए। बुद्धि यानी समझो खराब कब होती है, जब ऐसी चीजें पड़ जाती हैं पेट में अंदर, ऐसी चीजें चली जाती हैं कि जो मनुष्य के आहार भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है, यही ये जो जड़ वस्तु है, जैसे धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये पेड़ और पौधे जड़ हैं, इन पर जो फल लगता है वो मनुष्य का भोजन है। फूल भी कोई कोई ऐसे पेड़ों के होते हैं कि जो दवा के रूप में लोग खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, फायदेमंद होता है। तो समझो ये मनुष्य का भोजन है। और जानवरों का भोजन कौन है, ये जानवर जो हैं, ये जो पशु और पक्षी एक दूसरे के ये आहार हैं, ये बनाए गए हैं। जिस तरह से मनुष्य जोड़ दिया गया है, किससे जोड़ दिया गया है, अन्न से जोड़ दिया गया है, अन्न आहार उसका है। अन्न यानी वो किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं आप समझो अन्न जो भी है, जितना भी है, ये पेड़ पौधे किस पर निर्भर करते हैं, आदमी के देख रेख पर निर्भर करते हैं। ये तभी फल दे पाते हैं जब आदमी देख रेख करता है, जब आदमी बीज बोता है और आदमी उसको अंकुरित करवट करके पौधा बनाता है, तब इनका विकास हो पाता है। अनाज अभी कोई बोवे ही नहीं तो कहाँ से पैदा होगा, और बो दिया जानवर खा गए उसको तो कहाँ से उसमें फल निकलेगा। तो ये उस अनाज उस पर निर्भर है, और मनुष्य किस पर निर्भर है, अनाज पर निर्भर है। कहते अन्य प्राण है कलयुग, कलयुग में अन्य में प्राण होता, सतयुग में यानी समझो कि हड्डी में प्राण था, और द्वापर जब युग आया तब त्वचा में प्राण आया, लहू में प्राण आया, यानी त्रेता जब आया लहू में प्राण आया, द्वापर जब आया तो त्वचा में प्राण आया, और कलयुग में अन्य प्राण एक युग
कलयुग में अन्य भी प्राण है, तो ये एक दूसरे से जैसे ये जुड़े गए ऐसे ये जो पशु और पक्षी हैं यह भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप ये समझो। लेकिन वो उनका आहार है खाली, वो उनकी रक्षा नहीं कर सकते, उनको वो बना नहीं सकते हैं, उनको वो बढ़ा नहीं सकते हैं। मनुष्य तो ये सब कर सकता है, पशुओं को भी पाल लेता है मनुष्य, जानवरों को भी पाल लेता है मनुष्य, आप ये समझो उनकी भी देख रेख कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो तो शिकार करके खाते हैं, और आदमी ऐसे आमने सामने से ऐसे मार देता है, किसको मार देता है, जिसको पालता है बच्चे की तरह से पालते हैं, किसको, बकरे को, बकरी ने बच्चा दिया बहुत खुश, लड़का पैदा होता है जैसे खुशी होती है ऐसे खुश होते हैं कि मेरी बकरी ने बच्चा दे दिया। अब आप समझो उसको बच्चे की तरफ में मानते हैं, लेकिन जब जबान का स्वाद बदलना होता है, जब याद आती है मांस खाने की, तो उसी को काट देते हैं। तो आप ये समझो कि बुद्धि होते हुए अब पाप कर कर डालते हैं। अब ये क्यों होता है, ये अज्ञानता में होता है, न जानकारी में होता है। अगर सत्संग लोगों को मिलता रहे तो जैसे आप, इसमें कुछ लोग ऐसे हो जो पहले कभी मांस खाते रहे होंगे, लेकिन सत्संग सुनते सुनते सत्संगों में आते आते बदलाव आ गया, छोड़ दिया, आप जानकारी हो गई कि भाई मनुष्य का, अगर हम मनुष्य शरीर के रक्त को हम दूषित करेंगे, जानवरों का मांस खाएंगे, उससे खून बनेगा तो रोग होगा, बुद्धि खराब होगी, तो आपने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जानकारी करना चाहिए और कराना चाहिए। किस बात की जानकारी कराना चाहिए, इसी बात की जानकारी कराना चाहिए कि भाई मनुष्य शरीर जो ये मिला है ये कीमती है, इसको साफ सुथरा रखो, इसको गंदा मत करो। बाहर से सफाई तो कर लेते हैं लोग, वो तो सिखाया जाता है, लेकिन अंतरात्मा की सफाई होना जरूरी है। अंतरात्मा की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी जानकारी अंदर की नहीं हो पाएगी। जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य की जानकारी नहीं हो पाएगी। जो देवी देवता इस मनुष्य शरीर में देखे जा सकते हैं, जो अनि समझो पार ब्रह्म ब्रह्म लोकों के जो धनी है, वो जो देखे जा सकते हैं, वो जो पांचों नाम की ध्वनि आ रही है, जो सुनी जा सकती है, वो वेद वाणी जो उतरी है, ब्रह्मा वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, वो जो ब्रह्मा खुश हो गए थे उनको वेद वाणी जो सुनाई पड़ी थी, वो वेद वाणी सुनाई पड़ सकती है। लेकिन जानकारी होगी तभी तो, न जानकारी में तो इस समय आपका बेकार चला जाएगा। यह मनुष्य शरीर जा रहा है, ये बुढ़ा होता चला जाएगा, इसकी उम्र कटती चली जाएगी। आप ये समझो यह तन तो जात है, सकर कबीर यह तन जात है, सकर तो ठोर लगाओ। अब का सेवा कर संत की, का सेवा कर गुरु की, अब का सेवा कर संत की, अब का गुरु के गुण गाओ। का कोई आ जाए दरवाजे पर, वो भी एक तरह से अन्य समझो कि एक तरह से मेहमान ही होता है। और संत भी जो होते हैं, सतगुरु जो भी होते हैं एक तरह से मेहमान होते हैं। कहाँ के मेहमान होते हैं, इस धरती के, आपको सत्संगों में बताया गया कि वो कहाँ से भेजे जाते हैं, जहाँ से ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता जहाँ से जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये ब्रह्मा विष्णु महेश जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये इनकी माँ आद्या महाशक्ति जुड़ी हुई हैं, जहाँ से ये काल भगवान इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जुड़े हुए हैं, ब्रह्म जुड़े हुए, पार ब्रह्म जुड़े हुए, ये सब जितने काल महाकाय जितने भी ये सुन और ये जितने भी भवर गुफा और जितने भी ये स्थान है त्रिकुटी के, जहाँ के जितने भी जीव हैं सब जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भेजे जाते हैं यहाँ जीवों को उबारने के लिए, जीवों को निकालने के लिए। तो वो इस धरती पर डोलते हैं, रहते हैं मनुष्य शरीर में, तो वो एक तरह से मेहमान होते हैं।
जिस धरती के मेहमान होते हैं। अब देखो गर्मी, आदमी के घर का मेहमान अलग होता है और जाति बिरादरी का मेहमान अलग होता है। और आप ये समझो कि समाज का मेहमान अलग होता है और धरती का मेहमान अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति का दोस्त आया तो वो उसका मेहमान माना जाता है। घर भर के लोग जो घर भर घर में जितने परिवार होते हैं उसके सेवा में नहीं लगते हैं। और पूरे परिवार का कोई रिश्तेदार आ जाए, आप पे समझो दामाद अगर आ जाए तो जो अन्य समझो जिसका दामाद है वो भी सेवा में लगेगा। बुढ़ा जो पिता है उसके दामाद जिसका है उसके जो पिता है नहीं कुछ कर सकते तो यही काल पूछ लेंगे कि भाई मेहमान कौन है, ये जो आए हैं ये जमाई साहब इन कुछ खाए पिए नहीं, खाए पिए नहीं कुछ होगा, थोड़ी देर बैठ के बात ही करेंगे। पूरे परिवार के मेहमान होते हैं। अब कोई मान लो समाज का मुखिया आ गया, समाज का मुखिया आ गया तो समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको पानी पत्ता पिलाते हैं, उसको उससे बातचीत करते हैं। कोई समझो जैसे ये गुरु लोग होते हैं तो जो चेला बनाते हैं वो आ जाते हैं, तो जितने चेला होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। और जो ये संत होते हैं पूरे धरती के मेहमान होते हैं, पूरे दुनिया के मेहमान होते हैं। धरती मतलब जहाँ तक धरती है वहाँ तक वो काम करते हैं, वहाँ तक अपनी बात फैलाते हैं, वहाँ तक लोगों को जगाते सचाते लोगों को यानी समझो जगाते हैं, लोगों को बताते हैं समझाते हैं, तो सबके मेहमान होते हैं। योजना जो भी बनाए हो इसको लागू करो, इसको बढ़ाओ और एक धार्मिक वातावरण तैयार कर दो, आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर दो, शाकाहारी नशा मुक्त बना दो लोगों को, आप समझो चरित्रवान लोगों को बना दो। जब ऐसा समाज बन जाएगा तब समझो कि कलयुग पर आपको विजय मिल जाएगी, तब काल माया कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, लोगों के अंदर निर्मलता आ जाएगी, गंदगी जब साफ हो जाएगी तब आप ये समझो कि तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बांह। गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए उस काम को पकड़ लो, वही गुरु का बांह पकड़ना हुआ, वही गुरु उसी का बांह पकड़ेंगे। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।